अस्सलाम कैसी है मेरी प्यारी पैसी फैमिली। अल्लाह के दिल से ठीक ठाक हो गया। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से आमीन। से मामी एक दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया के अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे आमीन। से मामी इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले बिल्कुल ये आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपके चैनल पर नहीं है आपने अभी तक इरम आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाए फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो जी बस अभी बच्चों के लिए स्कूल से आने के बाद उनके स्नैक्स बना के रख के जाने लगी हूँ। स्प्रिंग रोल जो आपको कल दिखाए थे, आज ही दिखाए थे मेरे ख्याल से, अम्मी के घर से जो आए थे वो, और अपने लिए मैं जॉब पे जाऊंगी अपने लिए लंच डिनर जो भी आप बोल रहे वो रेडी करना है उसके लिए मैं, क्योंकि आज लेके जाऊंगी काम पे मूली वाला पराठा। तो मैं अपने लिए दही डाल रही हूँ, दही पैक करके साथ ले जाऊंगी क्योंकि पराठा लेके जाऊंगी, बस इतना दही काफी है, इतना दही काफी है। तो ये पैक करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि शाहिद उज़्मा के पीछे कौन लोग पड़े हैं, पूरी तफसील बताऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेस्ट नहीं करूंगी, फूड को हम वेस्ट नहीं करते क्योंकि कुछ लोग इसी फूड के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं। तो मेरा योगर्ट पैक हो गया, पराठा भी बना लूंगी मैं, बाकी योगर्ट फ्रिज में रखती हूँ और स्प्रिंग रोल जैसे ही और गर्म होता है तो स्प्रिंग रोल डाल दूंगी अंदर। देख लेती हूँ मेरे ख्याल से शायद गर्म हो ही गया हो, ये थोड़ा सा गर्म डाल के देख लेती हूँ। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ तो ऑयल को गर्म होने देते हैं, तो मैं उतनी देर में अंदर जाके खलारा वगैरह उठा लेती हूँ और आपसे तफसीली बात भी कर लेती हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये कुरान उठाए हैं उन लोगों के बारे में लोग क्या बोल रहे थे। हर चीज़ है लेकिन मैं कहते हैं ना उस गली नहीं जाना चाहती, उन लोगों के बारे में क्या क्या बोला, ये लोग किसी के सके नहीं है, ये किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं, तो वो आज आपको तफसीली बातें बताऊंगी कि उन लोगों के बारे में क्या क्या बोला गया हुआ। तो क्यों शाहिद उज़्मा के पीछे पड़े, क्यों ये पैसों का मुतालबा किया, वो मैंने आपको बताया तो था लेकिन वो भी आपको तफसील से बताऊंगी क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस बहुत आए कि तफसील से हमें समझ नहीं आ रही। शाहिद की वैसे तो वीडियो आ जाएगी, उसमें वो पूरी तफसील आपको बताएगा, मैं चाह रही थी कि वो खुद ही बताए और जो मुझे पता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ऑयल जो है मेरे ख्याल से गर्म हो चुका है, इसमें डाल के ही मैं अंदर जाऊंगी बाकी के काम करने। तो बस कई लोगों को ना वो होता है चार दिन इसको दोस्त बनाना फिर उससे जान छुड़ाना फिर आगे चले जाना, ये कई लोगों की फितरत होती है। बिस्मिल्लाह स्प्रिंग रोल डाल देते हैं जी, ऑयल गर्म हो चुका है, देखते हो कितने एक दफा में जाएंगे, चार से पांच इजीली इस कढ़ाई में चले जाते हैं, डिपेंड आपका ऑयल कितना है। तो मैंने डाले हैं जी पांच डाल दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बाकी जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलें जी इनको यहीं पे पड़े रहने देती हूँ और ये पक जाएंगे तो आपके साथ 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 में अंदर जाके अपने काम करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। अच्छा जी तो उठा लेती हूँ, ये नमाज पढ़ के ना सुबह की जान माज यहीं पे छोड़ा हुआ है, इसकी भी तह लगा के रख देते हैं और चीजों को अपनी जगह रख के, तो फिर इंशाल्लाह ये जान मास हम इधर ही रखते हैं। ये हमारा जान मास का बॉक्स है, यहीं से नमाज पढ़नी हो पंसूरता और आयतें भी हमारी यहीं पे पड़ी हुई होती है, यहीं से हम लोग ना इजीली जो होता है मेरी तस्बीह मेरा काउंटर भी, और यहाँ से ना फिर सारे जो है चीजों को एक जगह से एक जगह पे होती है, मसलन इधर उधर नहीं होती, स्टॉक भी यहाँ पे फिर हमने दो तीन रखे हुए होते हैं, एन अरबाब ने भी लेना हो तो फिर यहीं से इजी से ढूंढने नहीं पड़ते।
आपकी सबको हो जाती है। अच्छा जी, तो बात करते हैं टॉपिक पे। तो जिन लोगों ने किसी के बिहाफ पे नाम में लेना पसंद नहीं करती, झूठे कुरान उठाए ना, उनके बारे में बोला गया, और मेरे पास हर चीज है प्रूफ के साथ कि एक एक चाय की प्याली पे बिकने वाले लोग, उनको क्या बोला जाता था, एक एक चाय की प्याली पे बिकने वाले लोग, ठीक है, कि ये वो लोग हैं बातचीत जो एक एक चाय की प्याली पे बिकते हैं, ये उन लोगों के बारे में, उन नहीं उस के बारे में बोला जाता था। मैं आप उस बहन का नाम नहीं लूंगी, हमारी एक बहन होती थी, क्योंकि वो अब यूट्यूब पे नहीं है, यूएसए से, आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो उनके थ्रू बहुत वहां पे ना पैसे वगैरह भेजती थी लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की इमदाद के लिए। तो बोला जाता था कि ये उनके, मैं उन जानवरों का नाम भी नहीं लूंगी, कि ये वो है जो उसके ऑर्डर पे दुम हलाते फिरते हैं। तो अब आप ये देखो कि ये लोग किसी के भी सके नहीं है, ये हर बंदे को अपने मफाद के लिए यूज करते हैं, यानी हर बंदे को अपने हिसाब से यूज करना इनकी फितरत, इनकी आदत है कि हर बंदे को जब हम चाहें वहां पे इसको यूज कर लें, जब हम चाहें इस बंदे को वहां से, बस ये बंदा हमारे हाथ में हो। आपको पूरा कमरा घुमा दिया स्टैंड खोलते खोलते, ठीक है। तो ये है कि जब मैं, जब भी अपना पत्ता फेंकूं तो कोई बंदा मेरे हाथ में हो, तो ये तो इनकी फितरत है। और फिर उनको क्या बोलना है कि ये दुम हलाते फिरते हैं, ये चाय की प्याली पे बिकने वाले लोग हैं, ऐसा उनके बारे में बोला गया हुआ। मैं आपको प्रूफ दे दूंगी, मैं आपको मैसेजेस ऑब्वियसली मेरे पास हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे एतबार क्यों करना जो किसी के बिना बन सके, क्यों ऐसे लोगों पे एतबार करना। तो मैं जरा ना नजर मार रहा हूं स्प्रिंग रोल को, बाकी की स्टोरी आपको आके सुनाती हूँ। अच्छा जी, तो बस क्लीनिंग की बारी है, डस्टिंग डस्टिंग हो गई है सारा दुकान जिधर से मैं लिए, अब सफाई होगी। बस किसी के भी सके नहीं है, मैं आपको ये बात बता, ये लो उनके पीछे से उनकी बातें, उनके पीछे से उनकी बातें। अगर कभी मैं आपको वो मैसेज सुनाऊ ना, तो आप कानों को हाथ लगाओगे कि उस बंदे ने किस तरह इनके बिहाफ पे झूठा कुरान उठा लिया, कि जिसके बारे में ये बातें बोली गई हो कि चाय की प्याली पे बिकने वाले लोग, किसी के पीछे दुम हलाने वाले। तो बस अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का, और मुझे तो आप यूट्यूब फैमिली से भी गिला है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हो आप उनको नहीं देख रहे, आप भी उन्हीं को क्लिक करते हो। ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, जो किसी का भला नहीं चाहते उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने पहले उनके चैनल हैक किए या ब्लॉक किए या ख़त्म किए, उन्होंने ही फिर दोबारा इनको मजबूर किया कि अब उनको भत्ता दें 20,000 महीने का, क्योंकि अपने चैनल नहीं चल रहे, ताकि उनके घरों के राशन चले, ताकि उनके घरों के राशन चल सके, उनके बिल निकल सके, उनके जो खिड़कियां दरवाजे रह गए हैं वो लग सके, उनके जो किचन बनने वाले हैं वो बन सके। वो ये कह रहे होंगे कि शाहिद का तो किचन भी सेट हो गया, शाहिद उज़्मा की तो शर्फे भी लग गई है, उनके तो हर काम हो गए, और हम तो भी बैठे के बैठे रह गए, हमारा तो अभी गैस कुकर ही नहीं लगा। तो ये होती है जेलसी, ये होती है जेलसी की बातें जो उन लोगों ने की हैं, कि अब के पहले नहीं वो गिड़गड़ाए तो आप उनको इतना कर दो कि वो हमारे लिए गिड़गड़ाए, लेकिन वो होगा नहीं। 20,000 से क्या अपनी औकात दिखाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह उनका साथ देगा, वो 20,000 दे दे के अपनी जान छुड़ा लेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये वो होता है जो, ये माफिया जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस पिंड से इस माफिया को तब खत्म होगा जब उसको खत्म किया जाएगा। चले जी, आपसे लेती हूँ इजाजत,
मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म करूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। लव यू माई फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।